रियल ग्रीन होम्स अब तक तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में ज़्यादा रुझान उसका था और हमारे बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन के कम्प्लीट भी हो चुके हैं और कुछ बन भी रहे हैं। बुकिंग ऑलरेडी इसका स्टार्ट है। अच्छा, शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुका है बिल्डिंग और कुछ शॉप्स यहाँ बिक भी गए हैं। रेरा की तरफ से हमें 5 साल का टाइम दिया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको जो है 2 से 2.5 साल में कंप्लीट कर देंगे। कुछ शॉप्स बड़े रहेंगे 5,000 स्क्वायर फुट के, कुछ शॉप्स छोटे रहेंगे 500 स्क्वायर फुट के। ये नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग की तरह नहीं होगा, ये पटना में एक अलग सा ही कमर्शियल बिल्डिंग होगा जो कि कमर्शियल बिल्डिंग और मॉल दोनों के। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम जो है गोला रोड के आसपास मौजूद है और बता दें कि यहाँ पर सीधी तस्वीरें आप देख रही होंगी भूमि पूजन का। भूमि पूजन किसका हो रहा है तो बता दें, रियल ग्रीन होम जो है पटना में वो अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है और इसी प्रोजेक्ट के तहत आज यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। जल्द ही यहाँ पर एक कमर्शियल बिल्डिंग बन जाएगा। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जी राजेश जी। हाँ, नमस्कार। कब तक ये कमर्शियल बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा? ये कमर्शियल बिल्डिंग अभी भूमि पूजन इसका हो रहा है। हाँ। और इसी महीने से यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। रेरा की तरफ से हमें 5 साल का टाइम दिया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको जो है 2 से 2.5 साल में कंप्लीट कर देंगे। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग बनवा रहे हैं? ये प्योरली कमर्शियल बिल्डिंग है। हाँ। जिसमें कोई रेसिडेंशियल प्रावधान नहीं है। हाँ। बस कमर्शियल शॉप्स ही रहेंगे। कुछ शॉप्स बड़े रहेंगे 5,000 स्क्वायर फुट के, कुछ शॉप छोटे रहेंगे 500 स्क्वायर फुट के। तो देखिए, यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। जो लोग चाहेंगे कि आगे अपना परस्यू करें, इस बिल्डिंग में आकर अपना शॉप खोलें या फिर जो भी अपने बिजनेस की बातचीत है, उनके लिए कैसे आप तक कांटेक्ट किया जा सकता है? हमारी एक मार्केटिंग टीम है। हाँ। जो कि इसके पीछे काम कर रही है एंड जितने भी कमर्शियल व्यवसाय के लोग हैं यहाँ पर पटना में, उन सबका वेलकम है। हम उनको टच बेस कर रहे हैं। हमारी मार्केटिंग टीम डेली अलग अलग सेगमेंट में जाके उनसे मिल रही है, उनसे बात कर रही है, पेपर्स में, मीडिया में, सब जगह हम लोग इसका ऐड भी चला रहे हैं, स्पॉन्सरशिप भी किसी किसी इवेंट में दे रहे हैं, जिससे हमारी ब्रांडिंग हो और लोगों को पता चले कि हम यहाँ पर एक कमर्शियल बिल्डिंग लेके आ रहे हैं जो कि वन ऑफ द काइंड होगा। ये नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग की तरह नहीं होगा, ये पटना में एक अलग सा ही कमर्शियल बिल्डिंग होगा जो कि कमर्शियल बिल्डिंग और मॉल दोनों के बीच का चीज़ होगा, जिसमें मॉल जैसी फैसिलिटी भी लोगों को मिलेगी। जितने भी शॉप्स होंगे उनकी विजिबिलिटी, उनका जो स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे आम तौर पे आप मॉल में देखते हैं, ठीक वैसे ही रहेगा इसमें। सर, क्योंकि हम लोग डिजिटली बातचीत कर रहे हैं, जो भी आप हमारे दर्शक हैं वो डिजिटल आप तक अगर इस वीडियो को देखें तो कैसे आप तक संपर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। जी, संपर्क अब थोड़ा सा रिनाउंड फर्म है हम लोग, रियल ग्रीन होम्स। वैसे तो आपको मीडिया में हर जगह हम दिख जाएंगे। अदरवाइज़ मेरा ऑफिस जो है, कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा इनकम टैक्स चौराहा पर है। हाँ। किदोईपुरी वाले रोड में। तो वहाँ से भी हमें संपर्क किया जा सकता है। अच्छा। और मीडिया चैनल से भी संपर्क किया जा सकता है। हमारा वेबसाइट है, अलग अलग मीडिया चैनल में हम निरंतर ऐड देते रहते हैं, तो उसके थ्रू भी हमें संपर्क किया जा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि 5 साल का वक्त मिला है, लेकिन 2 से 2.5 साल में यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा, तो लोग जो यहाँ पर अपना व्यवसाय अगर उसमें लेना चाहें, शॉप लेना चाहें, तो वो कब से आकर रजिस्ट्रेशन कराएं? बुकिंग ऑलरेडी इसका स्टार्ट है। अच्छा, शुरू हो चुकी है बिल्डिंग। शुरू हो चुका है बिल्डिंग। हाँ। और कुछ शॉप्स यहाँ बिक भी गए हैं। अच्छा। अब फुल फ्लेज काम यहाँ पर होगा शुरू। ठीक है, पैरेलली हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। रियल ग्रीन होम्स अब तक तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में ज़्यादा रुझान उसका था और हमारे बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन के कम्प्लीट भी हो चुके हैं और कुछ बन भी रहे हैं। कमर्शियल में ये हमारा पहला है, तो हम चाहते हैं कि ये ग्रैंड सक्सेस हो। इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब तक पटना वासियों को जो कमर्शियल में मिलता था, जो फैसिलिटी मिलती थी, उससे बढ़ के हम इसको दें। तो बुकिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है, कुछ बुकिंग हो भी चुकी हैं। बजट क्या कुछ रहेगा? बजट हमने जो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है पटना का, तो हम वेलकम कर रहे हैं अच्छे अच्छे शोरूम्स को, अच्छे अच्छे ब्रांड्स को कि यहाँ पर खोलें। तो बजट मिक्स्ड है, ये मिडिल क्लास के लिए भी है और हाई क्लास के लिए भी है, क्योंकि जो एरिया हम दे रहे हैं लोगों को, तो मिडिल क्लास के लिए भी ध्यान में रख के दे रहे हैं और हाई बजट वाले लोग के लिए भी ध्यान में रख के दे रहे हैं। और यहाँ छोटे शोरूम भी खुल सकते हैं और बड़े शोरूम भी खुल सकते हैं, जैसे शॉपर स्टॉप हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, तो उनके लिए भी हमारे पास जगह है, हमने उस तरह का एरिया उनके लिए भी एलोकेट करके रखा हुआ है।
थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ राजेश जी थे, और अब जो है रियल ग्रीन होम जो कि लगातार सपनों का आशियाना देता रहा है, अब इस और इनका ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि ये कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, और जल्द ही ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा पटना की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए। एक बार फिर एक नया प्रयास रियल ग्रीन होम की ओर। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।